कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देवनारायण भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे, और मैं आया हुआ हूँ मालेश्वर डूंगरी, जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 28 जनवरी को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले हैं, और यहाँ मंदिर का यहाँ एक दो कॉरिडोर बने उनका उद्घाटन करने के लिए, और काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और यहाँ पर देवनारायण भगवान जी ने अवतार लिया था मालेश्वर डूंगरी, तो अभी हम यहीं आए हुए हैं। अभी चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरा काम चल रहा है अभी, और ये पूरा तैयार किया जा रहा है, स्टैंड वगैरह। यहीं पर मोदी जी स्पीच देंगे। ये देखिए पूरा इसको समतल कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ तो आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो किस प्रकार की भीड़ होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, पूरा प्रांगण तैयार कर दिया गया है यहाँ पर, और यहीं पर नरेंद्र मोदी जी स्पीच देंगे। ये देखिए मेरे पीछे वो स्टेज भी तैयार हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब तरफ इसको समतल कर दिया गया है, मैदान को, और काफ़ी अच्छा है। मोदी जी आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी घोषणा भी करके जाएंगे, तो देवनारायण भगवान का जो मंदिर है यहाँ पर और भी बहुत सारी घोषणाएँ हो सकती हैं। तो अभी 28 तारीख में 4 दिन बचे हुए हैं, तो देखते हैं एक बार नरेंद्र मोदी जी आएंगे उस दिन मैं भी आऊँगा यहाँ पे। ये देखिए मंदिर के सामने अभी रोड का काम भी चल रहा है, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले पूरा काम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए नई रोड बन गई है दोस्तों। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी 28 तारीख को इन्हीं सीढ़ियों से मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे और श्री देव नारायण भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए अपन भी चलते हैं और भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए आप, मंदिर की दीवारें कितनी सुंदर और कितनी अच्छी कारीगरी की गई है यहाँ पर, देखने में मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये मेन मंदिर का ही भाग है। अब यहीं पर नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को आएंगे, और ये देखिए काफ़ी पब्लिक भी आई हुई है इस वक्त, और नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले यहाँ तैयारी भी चल रही है। अभी दोस्तों यहाँ मंदिर के दर्शन करके अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बाबा रूपनाथ जी से आशीर्वाद लेते हुए माता साढ़ू, और ये पास में दोस्तों देखिए आप हीरा गुजरी, जो कि माता साढ़ू जी के साथ ही रहते थे, और ये मंदिर का मेन प्रांगण है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ देखिए सबसे चमत्कारी देवनारायण भगवान जी के आशीर्वाद से यहाँ दूध रखा जाता है, जो कि डेली नाग देवता ग्रहण करके जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहीं पर पहाड़ को चीरते हुए भगवान देवनारायण जी के घोड़े ने अवतार लिया था, पूरे पहाड़ को चीरते हुए। ये देखिए आप दोस्तों, इसी जगह से नीले घोड़े का अवतार हुआ था। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं देवनारायण भगवान का मंदिर, यहाँ आप देखिए चारों तरफ काम चल रहा है। अभी मोदी जी आ रहे हैं तो यहाँ पर पूरा पीछे रोड वगैरह भी बन रहे हैं, और यहाँ मंदिर के चारों तरफ काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, देवनारायण भगवान जी के माता जी श्री साढ़ू माता, और दोस्तों देवनारायण भगवान जी ने कमल फूल में अवतार लिया था इनके पास में। और दोस्तों ये देखिए आप, साढ़ू माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ देवनारायण भगवान जी के मंदिर के पास में। तो ये देखिए कलश, 1111 कलश द्वारा दोस्तों यहाँ 2 दिन पहले काफ़ी भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी।
चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। ये देखिए आप, पूरा नया बना दिया गया है। इसी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो एक बार अपन भी चलते हैं। अंदर जाने देंगे या नहीं, चल के देखते हैं क्या बना है अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए आप, अंदर पूरा देवनारायण भगवान जी के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है। तो भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण भगवान जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने अवतार लिया, यहाँ पूरा बताया गया। और दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये है मालेश्वरी डूंगरी, जो राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है और आसिन तहसील में है दोस्तों। और यहाँ से भीलवाड़ा लगभग 60 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, इन्हें का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये देखिए आप, पूरा अंदर से काफ़ी सुंदर बनाया गया। देवनारायण जी भगवान का पूरा जीवन काल के बारे में, जो जो उनके साथ हुआ बचपन में, वो सब यहाँ डिस्प्ले करके बताया गया, काफ़ी सुंदर। ये देखिए आप, श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। मंदिर की तैयारी सब तरफ चल ही रही है। और ये देखिए, गुर्जर समाज द्वारा यहाँ पर प्रसादी वगैरह वितरण की जा रही है। तो हम भी चलते हैं और चाय का आनंद लेते हैं।